तो गाइस फाइनली हमारी सीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं और ये ढलान मिल चुकी है। अब यहाँ पर तो कंट्रोल करना ही काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, यहाँ कभी भी आदमी फिसल सकता है। जितनी प्रॉब्लम यहाँ पर चढ़ने में होती है लगभग उतनी ही उतरने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ढलान काफी ज्यादा है और रिक्स जाना होता तो उतरते टाइम पे का थोड़ा सा भी आपका पैर फिसलता है तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है कि आप कहाँ पर लैंड करेंगे जाकर के। सुबह इस व्यू देखिए लेफ्ट साइड का और राइट साइड में पहाड़ है जहाँ से हम उतर के आ रहे हैं अभी नीचे। यहाँ की मैंने एक चीज और देखी, यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है यार। आप ये ढलान देखिए, यहाँ पर लोगों पर सीधा नहीं चला जा रहा है बट यहाँ पर लोग मैंने कई जगह पे ऐसे देखे कि पीठ पर वजन लाते चलते हैं। ये देखिए सिलेंडर कम से कम 40-45 किलो का होगा ये, और ये भाई इतना ऊपर से लेके आ रहे हैं नीचे से। भाई पानी वानी पियोगे? ठीक हो भाई? भाई काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग हो गए यहाँ के, सच में इनके लिए दिल से सलाम। ऐसी पहाड़ी पे पैदल चलना मुश्किल है यार, सारे लोग ये 40-45 किलो का सिलेंडर, 22 किलो वाला सिलेंडर था ये कमर्शियल, और गैस भरने के बाद ये वही 40-45 का हो जाता है। बट गैस ये भी यार काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है यहाँ के लोग जो ये काम करते हैं। बट ये चीजें मैंने माल रोड पर और शिमला में भी काफी सारी देखी हैं कि काफी बुजुर्ग लोग भी ये काम करते हैं, पीठ पर वजन लेके चढ़ाई पे लेके जाते हैं, काफी ऊंचाई तक लेके जाते हैं। सो गाइस फाइनली हमारी पहली ढलान तो लगभग खत्म होने वाली है, बट ऐसी काफी सारी ढलान्स हैं जहां से हमें भी जाना है। एक तरफ तो ये सीढ़ियां बना रखी हैं, ठीक है, बट रोड पर यार चलना बहुत मुश्किल है यार। देखिए गाइस और इधर से देखिए आप कितनी ऊंचाई पर है, चढ़ते जाओ बस गाइस। चलते हैं धीरे धीरे नीचे। तो अभी हम आपसे मिलते हैं नीचे उतर करके। सो गाइस फाइनली काफी नीचे आ चुके हैं, एक छोटा सा रेस्ट रूम हमें दिख रहा है, यहाँ पे 5 मिनट रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं आगे के लिए। बट यहाँ रेस्ट रूम में बंदर आराम कर रहे हैं, सो हम तो यहाँ कर नहीं सकते अब आराम इनके करते हुए। चलिए आगे कुछ देखते हैं जहां हम आराम कर सकते हो। मस्त इंजॉय कर रहे हैं भाई साहब। गाइस फर्स्ट स्टेप तो बना क्लियर हो चुका है, लगभग सिर्फ 2-4 सीढ़ियां और बची हैं। अब स्टेयर्स तो नहीं मिलेंगी बट ढलान वाले रोड जरूर मिलेंगे। गाइस व्यूज तो यहाँ के काफी ज्यादा खतरनाक है एकदम, बट पैरों में बहुत दर्द हो रहा है यार। व्यू देखिए गाइस, अभी हम जहां से आ रहे हैं वो
वो शिमला की सबसे ऊंची जगह थी और शिमला जिले की सबसे ऊंची जगह कुफरी में है। सो गाइस मुझे लगता है इधर ही कहीं थोड़ी देर हमें मुझे स्टे करना पड़ेगा, 5-10 मिनट आराम करते हैं फिर चलते हैं आगे। जब तक हम आपको एक छोटा सा व्यू दिखा देते हैं यहाँ से, जो देख के आपको मजा आ जाने वाला है। देखिए गाइस ये रोड देखिए कैसे घूम रहे हैं, यहाँ से आएगा फिर यहाँ से आएगा फिर ऊपर को जाएगा, सेम ऐसे इधर फिर नीचे फिर ढलान, और ये रोड पूरा जिगजैग करके ही नीचे जाएगा। बट गाइस जो भी हो व्यूज देख के पैसा वसूल, पैसा तो नहीं लगा खैर मेहनत वसूल। गाइस यहाँ तो घास पे भी घास जम गई है, रोड पर भी, अब बताइए। चलिए गाइस थोड़ा रोड क्रॉस करते हैं, कुछ नया आता है अगला वो आपको हम दिखाते हैं।